सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। और इंडियन के मैंने लेक्चर्स बना दिए हैं, जो भी अभी तक बने हैं प्लेलिस्ट में अपडेटेड हैं, और मैक्रो के भी लेक्चर्स बने हुए हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाइए, आपको मिल जाएंगे। और दूसरी बात, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, तो मेरे आप नंबर में मैसेज करिए, मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, माई नाम व्हाट्सएप नंबर इज 888-1988-317। चलिए, इससे पहले हम लोगों ने नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ेंगे नवरत्न। नवरत्न होते क्या, इनका जनरल आइडिया देखेंगे, क्योंकि ब्लू बॉक्स में दिया है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ नवरत्न हमें पता होने चाहिए। कौन कौन सी कंपनीज नवरत्न के अंदर आती हैं, इनका हम यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस आंसर्स को लिखने में। ठीक है ना, तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीएसयू, जो गवर्नमेंट की पीएसयू थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी गवर्नमेंट की, तो उसमें नवरत्न नवरत्न उनको बोला जाता है, जैसे गवर्नमेंट की जो 9 कंपनियां हैं उनको नवरत्न बोला जाता है, जो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, इनका मतलब टर्नओवर काफी ज्यादा है। तो नवरत्न रिफर टू 9 सच प्रॉफिट मेकिंग कॉर्पोरेशन विच आर कंपेयर्ड विथ 9 कंट्रीज कॉलरीज इन दी कोल्ड कॉलरीज में कंट्रीज बोल गया। ठीक है, एक्चुअली में देखिए होता है क्या है कि जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी किंग विक्रमादित्य, तो किंग विक्रमादित्य के कोर्ट में जो 9 उनके मिनिस्टर थे टॉप लेवल के, तो उनको वो नवरत्न बुलाया करते थे, तो वहीं से कॉन्सेप्ट लिया गया नवरत्न। नवरत्न मतलब जो 9 बहुत बड़ी कंपनीज गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट के अंदर आती है, जिनका टर्नओवर काफी ज्यादा है, ये किंग विक्रमादित्य के कोर्ट से कॉन्सेप्ट लिया गया। नवरत्न में कौन कौन सी कंपनी आती है, IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, सेल एंड भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, IPCL इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एंड HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये सारी कंपनियां नवरत्न के अंदर आती हैं। ठीक है, अब टाइम के साथ क्या हुआ कि नवरत्न में सिर्फ 9 कंपनियां नहीं रही, अब टाइम के साथ ये हुआ कि नवरत्न में 16 कंपनियां हो गई हैं, 16, मतलब नवरत्न नाम है नवरत्न बट हो गई 16 कंपनी। ठीक है ना, तो ये चीज आपको याद रखनी है। आप देखिए दूसरी बात, इसमें बस यही इंपॉर्टेंट है कि आपको कंपनियों के नाम याद रखने। ठीक है, और नवरत्न क्यों हुआ था अभी मैं बताऊंगा, नवरत्न मतलब गवर्नमेंट ने अपनी टॉप लेवल की कंपनियां सी क्यों बनाई थी ये मैं अभी बताऊंगा। इन 2009 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कुछ अपनी कंपनियों को महारत्न का स्टेटस दिया, मतलब नवरत्न से भी ऊपर महारत्न। द गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्टेड अकॉर्डिंग महारत्न स्टेटस, द PSUs हैव अर्न्ड देयर दिस स्टेटस इंक्लूड, कौन कौन सी ऐसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी जिनको महारत्न का स्टेटस मिला, जैसे कोल इंडिया थी इसको महारत्न का मिला, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन थी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC थी, ऑयल एंड नेचुरल गैस थी, सेल थी, भेल थी, हाँ भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, गेल थी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एंड भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी थी, और दिस दस क्वाइट फ्यू इंडस्ट्रीज लाइक IOC हैव मूव फ्रॉम नवरत्न टू महारत्न, मतलब कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरह कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी, कुछ ऐसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी जिनको नवरत्न से महारत्न का स्टेटस दिया गया था, मतलब और भी अच्छा स्टेटस दिया गया था। इनका अच्छा स्टेटस इसीलिए दिया गया था ताकि ये मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, इसी वजह से इनको महारत्न का स्टेटस दिया था। फिर क्या हुआ, मिनी रत्न का भी स्टेटस दिया जाने लगा, मतलब नवरत्न से जो छोटी होती हैं उनको मिनी रत्न बोलते हैं, छोटे रत्न। ठीक है, रिसेंटली येट अनदर स्टेटस कॉल्ड मिनी रत्न हैज बीन क्रिएटेड टू इनकरेज PSUs, मतलब PSUs को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को इनकरेज करने के लिए, ताकि वो बहुत अच्छे से काम करें तभी उनको ये स्टेटस मिलेगा, और अच्छे से काम करें और प्रॉफिटेबिलिटी उनकी इम्प्रूव करें, इन सब चीज़ों की वजह से उनको ये सब स्टेटस दिए जाते हैं ताकि वो अच्छे से काम करें, एफिशिएंसी उनमें बढ़े और प्रॉफिटेबिलिटी भी। सो फार 75 PSUs पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिनको मिनी रत्न का स्टेटस दिया जा चुका है। अब देखिए नवरत्न क्यों, नवरत्न का इंपॉर्टेंस क्या था, जो गवर्नमेंट ने 9 कंपनियां बनाई थी उनका इंपॉर्टेंस क्या था। सबसे पहली बात देखिए, नवरत्न हैज ऑफन बीन कोटेड बाय द गवर्नमेंट एज द एपी सेंटर ऑफ द गोल्ड, नवरत्न क्या एपी सेंटर ऑफ द ग्रोथ है, मतलब ग्रोथ जो होगी वो नवरत्न की वजह से ही होगी, एपी सेंटर ऑफ द ग्रोथ, मेन फोकस्ड जो है ग्रोथ वो किसकी वजह से होती है, नवरत्न की वजह से, मतलब जो 9 कंपनियां हैं गवर्नमेंट की उनकी वजह से इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ होती है, गवर्नमेंट का कहना था कि वो मेन किसकी वजह से होती है, नवरत्न की वजह से। इट इज नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट दीज इंटरप्राइज ब्रॉट अबाउट एन एग्जाम्पली शिफ्ट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्जाम्पली मतलब होता है एक उदाहरण, मतलब इन्होंने एक उदाहरण सेटअप करा, नवरत्न ने एक उदाहरण सेटअप करा कि कैसे एक कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, कैसे एक कंट्री में इंडस्ट्रीज
इंडस्ट्रीज सेटअप होती हैं, ठीक है ना। मतलब कैसे एक कंट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा उसमें चेंजमेंट आता है, तो ये उन्होंने उदाहरण सेट करा, एग्जेम्पलरी शिफ्ट हुआ। दीज एंटरप्राइज सर्व्ड और नॉट ओनली अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन्होंने एम्प्लॉयमेंट तो दिया ही दिया है नवरत्न, बट इंफ्रास्ट्रक्चर बेस भी हमारे यहाँ बनाया। एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेस, दो तरीके के हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं स्कूल और हॉस्पिटल, और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं रोड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। मैं आपको 10 बार बता चुका हूँ, ठीक है, आगे बताता रहूंगा। तो नवरत्न के आने से सबसे पहले बात एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा क्रिएट होता है, देन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंड्यूस होता है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंड्यूस होता है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो होती ही होती है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, इन द वेक ऑफ प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के स्टार्टिंग में द गवर्नमेंट है इनिशियली थॉट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट ऑन नवरत्न एज वेल, बट ओइंग टू स्टिफ पॉलिटिकल असिस्टेंस इट इज नॉट डिसाइडेड टू डेवलप नवरत्न एज अ ग्लोबल प्लेयर इन द रेस्पेक्टिव एरियाज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन की स्टार्टिंग में, प्राइवेटाइजेशन कब हुआ था, 1991 में, कब हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कब हुआ था, 1991 में। तो 1991 के स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि हम नवरत्न का डिसइन्वेस्टमेंट कर दें, जो गवर्नमेंट की कुछ 9 लेवल की, टॉप 9 पहले थी, अब 16 हो गई, तो जो 16 टॉप लेवल की कंपनियां थी गवर्नमेंट की, तो उनको गवर्नमेंट ने क्या सोचा था कि डिस इन्वेस्टमेंट कर दें। डिस इन्वेस्टमेंट मतलब आपको मैंने बताया था कि डिस इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कि सेल ऑफ कर दें, प्राइवेट लोगों को सेल कर दें। तो उससे ये फायदा होगा कि नवरत्न अच्छे से परफॉर्म करेंगे, और नवरत्न अच्छे से परफॉर्म करेंगे और जो गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी है वो फुलफिल हो जाएगी। नवरत्न इस्टेब्लिश तो हुए थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के आसपास हुए थे, 1947 के बाद, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, तो उसके बाद नवरत्न इस्टेब्लिश हुए थे। बट 1991 में जब प्राइवेटाइजेशन किया गया, तो गवर्नमेंट ने उस टाइम सोचा था कि इनका प्राइवेटाइजेशन कर दें, इनका कुछ शेयर प्राइवेट सेलर को सेल कर दें। बट उस टाइम बहुत पॉलिटिकल रेसिस्टेंस थी, पॉलिटिकल बहुत क्या कहते हैं ऊपर दबाव था, अपोजिशन बहुत स्ट्रांग था, तो इस वजह से वो प्राइवेटाइजेशन नहीं कर पाए, ठीक है। और नवरत्न एक ग्लोबल प्लेयर के रूप में निकला इंडस्ट्रियलाइजेशन में, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट ने सोचा कि इसे नवरत्न को एक ग्लोबल प्लेयर एक बनाए, ग्लोबल प्लेयर मतलब कि ग्लोबल पूरा कंपटीशन ऑल ओवर वर्ल्ड ये दे सके, ठीक है। सबसे आप देखते हैं प्राइवेटाइजेशन के गेन क्या क्या हुए। सबसे पहली बात, अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो इसमें सबसे ज़्यादा सुप्रीमेसी किसकी रहती है, सेल्फ इंटरेस्ट की। जब प्राइवेटाइजेशन होता है, जब प्राइवेट सेलर को हम चीज़ें सेल कर देते हैं, तो सेल्फ इंटरेस्ट देखता है, सोशल इंटरेस्ट कम देखता है। तो जब सेल्फ इंटरेस्ट देखेगा तो एंटरप्रेन्योर, जब भाई कोई भी बंदा अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखेगा तो 100% वर्क कमिटमेंट, 100% कमिटमेंट से काम करेगा, 100% कमिटमेंट से काम करेगा तो एंड एफिशिएंसी बिकम्स द कंडीशन ऑफ सर्वाइवल फॉर द वर्कर्स। मतलब होता क्या है, जब प्राइवेटाइजेशन होता है तो सबसे पहली बात जो जिसकी कंपनी होती है वो क्या होता है कि सेल्फ इंटरेस्ट के मोटिव से काम करता है, सेल्फ इंटरेस्ट देखता है, और सेल्फ इंटरेस्ट देखता है और जो वर्कर होते हैं उस कंपनी में उनके लिए एफिशिएंट होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। एफिशिएंट अगर होंगे वहाँ के वर्कर तभी वो प्राइवेटाइजेशन सर्वाइव कर पाएंगे, और जब एफिशिएंट होंगे तब सर्वाइव कर पाएंगे, इसलिए हाई प्रोडक्टिविटी रहती है, ठीक है। मतलब प्राइवेटाइजेशन का ये गेन है कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से लोग सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं और एफिशिएंट ही आदमी प्राइवेटाइजेशन में सर्वाइव कर सकता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है। दूसरी बात, प्राइवेटाइजेशन एक्सपेक्ट प्राइवेट इंटरप्राइज टू वर्क इन अ कॉम्पिटेटिव मार्केट। प्राइवेटाइजेशन जब हो जाता है तो प्राइवेट इंटरप्राइजेस को वर्क करने की आदत होती है कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट में, वो डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में वर्क कर सकते हैं, उनको कॉम्पिटिशन से कोई दिक्कत नहीं होती। और जब आप जानते ही हैं कॉम्पिटिशन जब मिलेगा तो अपग्रेडेशन होता है, हम अपग्रेड होते हैं, मॉडर्नाइजेशन हम अपनाते हैं। भाई जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो हमें कॉम्पिटिशन मिलेगा, और जब हमें कॉम्पिटिशन मिलेगा तो हम क्या करते हैं, अपग्रेड करते हैं अपने आप को, कई नई नई चीज़ें लाते हैं, मॉडर्नाइजेशन करते हैं। दीज आर द एसेंशियल कंडीशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ये एसेंशियल कंडीशन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, ठीक है। ग्रोथ मतलब क्या होता है, जीडीपी की ग्रोथ होना, और डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होना, लिटरेसी होना। तो ओवरऑल बोल सकते हैं प्राइवेटाइजेशन हमारी जीडीपी भी ग्रोथ कराता है और हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी चेंज कराता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब ये होता है, ठीक है। तीसरी बात क्या लिखी है, प्राइवेटाइजेशन प्रमोट्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्राइवेटाइजेशन की वजह से जब प्राइवेट चीज़ें आ जाती हैं तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन हो जाता है, मतलब एक चीज़ में ही नहीं प्रोडक्शन होता है, एक चीज़ का ही नहीं प्रोडक्शन होता है, कई चीज़ों का प्रोडक्शन होने लगता है, डाइवर्स प्रोडक्शन होने लगता है, वैरायटी ऑफ थिंग्स का प्रोडक्शन होने लगता है। अनलाइक पीएसयू, प्राइवेट इंटरप्राइजेस इनवर्सली इनवेरेबली जनरेट हाई प्रॉफिट। प्राइवेट इंटरप्राइज हाई प्रॉफिट भी जनरेट करते हैं। दीज आर यूज फॉर एग्जेम्पशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्राइवेट
प्राइवेट प्राइवेट जो कंपनियां होती हैं वो एक्सपेंड करती हैं अपना आउटपुट और डाइवर्सिफाई करती हैं प्रोडक्शन को, मतलब कई वैरायटीज ऑफ थिंग्स प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि एमएनसी। एमएनसी आर द टेस्टिमोनी टू द फैक्ट दैट प्राइवेट सेक्टर आर कैपेबल ऑफ रीडिफाइनिंग द बेंचमार्क ऑफ द ग्रोथ। मतलब कि मैं बोलने का ये मतलब है कि जो एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो एक एग्जाम्पल हैं, प्राइवेट सेक्टर ही होती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, तो एग्जांपल है कि वो कैसे ग्रोथ को रीडिफाइन करती हैं, मतलब कैसे एक ग्रोथ का वो बेंचमार्क है। मतलब कि उनसे उनसे कंट्रीज को सीखना चाहिए कैसे वो ग्रोथ करते हैं, कैसे वो ग्रोथ का एक बेंचमार्क है। ठीक है, हाँ वो रीडिफाइन कर देते हैं कि हाँ भाई कैपेबल है कि ग्रोथ वो कर सकते हैं, कितना वो सर्वाइव करते हैं। एमएनसीज मतलब बोलने का मतलब ये है कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं, हाई प्रॉफिट होता है, ग्रोथ हमारी बहुत ज़्यादा होती है, और ये बेंचमार्क एग्जांपल हैं जो फर्म प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाती, जो पीएसयूस प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाती उनके लिए प्राइवेटाइजेशन एक एग्जांपल है। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन प्रमोट सोवरेनिटी, प्राइवेटाइजेशन कंज्यूमर सोवरेनिटी में ध्यान देता है, कंज्यूमर के ऊपर सोवरेनिटी मतलब होता है किंग, तो प्राइवेटाइजेशन जो है कंज्यूमर को किंग मांगता है। हाई डिग्री ऑफ कंज्यूमर सोवरेनिटी इंप्लाइज वाइडर चॉइस एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। और अगर हाई हाई डिग्री ऑफ कंज्यूमर सोवरेनिटी होगी, मतलब कंज्यूमर को ज़्यादा सोवरेन माना होगा, कंज्यूमर को किंग ज़्यादा मानते होंगे प्राइवेटाइजेशन वाले, अगर तो उनको ज़्यादा चॉइसेस देंगे, अगर ज़्यादा चॉइसेस देंगे तो उनकी बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी। ठीक है, ये सब थे हमारे किसके, प्राइवेटाइजेशन के गेंस। अब लॉसेस क्या क्या हैं, सबसे पहली बात देखिए, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी विद इन विच सोशल इंटरेस्ट इज अकॉर्डेड टॉप प्रायोरिटी। अब देखिए एक बात बताइए, सोशलिस्टिक पैटर्न मतलब जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल चलता है उसमें क्या चलता है, मेन जो गवर्नमेंट का जिस इकोनॉमी मेन कंट्रोल चलता है उसमें क्या मेन ऑब्जेक्टिव रहता है गवर्नमेंट का, सोशल इंटरेस्ट। प्राइवेटाइजेशन में जो हमारा गोल रहता है प्राइवेट फर्म्स का वो होता है सेल्फ इंटरेस्ट, और सोशलिस्टिक में क्या रहता है, सोशल इंटरेस्ट। इज लेफ्ट टू सर्वाइव ओनली अ थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, इट इज नॉट प्रैक्टिकल रिलेवेंस वंस पीएसयूज आर सोल्ड ऑफ टू द प्राइवेट इंटरप्राइजेस। वही बात लिखी है कि अगर सोशलिस्टिक कंट्री है, सोशलिस्टिक कंट्री में अगर पीएसयूज को हम प्राइवेट सेलर को सेल कर देते हैं, तो प्राइवेट सेलर को अगर सेल कर देंगे तो वो एक जो सोशल इंटरेस्ट वाली मतलब समाज की भलाई वाला काम, वो एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी रह जाएगी, किताबी में रह जाएगी। पीएसयूज मेन अपना खुद का सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। ठीक है ना, ये बात वो बोला है, मतलब कि अगर सोशलिस्टिक कंट्री मान लीजिए उस टाइम अपनी कंट्री इंडिपेंडेंस के टाइम सोशलिस्टिक ही इकोनॉमी थी, गवर्नमेंट पूरी पूरी चीज़ें कंट्रोल करती, तो उस टाइम अगर आप प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं कंपनी का, तो जो प्राइवेटाइजेशन करने से क्या होगा, प्राइवेट सेलर सोशल इंटरेस्ट नहीं देखेगा, वो क्या देखेगा, सेल्फ इंटरेस्ट देखेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ बोला है। प्राइवेटाइजेशन इंक्रेज, सबसे पहली बात अगर प्राइवेटाइजेशन होता है, प्राइवेट सेलर को चीज़ें सेल कर दी जाती हैं, तो प्राइवेटाइजेशन की वजह फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, मतलब कि प्राइवेटाइजेशन में किसी भी चीज़ का प्राइस कौन डिसाइड करता है, उसकी डिमांड और सप्लाई फोर्स। मतलब मान लीजिए डिमांड किसी भी प्रोडक्ट की ज़्यादा है तो उसका प्राइस भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, तो प्राइवेटाइजेशन में डिमांड और सप्लाई फोर्सेस चीज़ों के प्राइस को डिसाइड करती हैं। बट इन द प्रोसेस गुड्स आर प्रोड्यूस ओनली फॉर दोज हु हैव द मीन्स टू बाय देम। अब वही बात है कि प्राइवेटाइजेशन में क्या होगा, प्राइवेटाइजेशन में उन्हीं के लिए गुड्स प्रोड्यूस करा जाएगा जो उनको खरीद सकते हैं। व्हेन प्राइस राइजेस, जब प्राइस बढ़ेगा तो विच इज एन ऑब्वियसली ऑब्वियस टेंडेंसी। अब भाई आप सिंपल सी बात बताइए, जिस चीज़ की डिमांड होगी तो उसका प्राइस भी तो बढ़ेगा, और जब प्राइस बढ़ेगा तो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी क्या होगा, नहीं उसे परचेज कर पाएगा, डिप्राइव्ड हो जाएगा, पिछड़ जाएगा, क्योंकि प्राइस जब बढ़ेगा तो वीकर सेक्शन उसे नहीं खरीद पाएगा। और सिरिकला ट्रेजेडी जो हुई थी ये इसी बात का एक एग्जाम्पल है। सिरिकला ट्रेजेडी क्या हुई थी मैं बताता हूँ आपको। देखिए सिरिकला सबसे पहली बात एक जगह है आंध्र प्रदेश में, कहाँ है, आंध्र प्रदेश में जगह है ये। अब एक स्मॉल टाउन है, नोट एज पावर नोन फॉर इट्स पावर लूम इंडस्ट्री। सिरिकला जगह में जो है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पावर लूम इंडस्ट्री काफ़ी है, पावर लूम इंडस्ट्रीज काफ़ी हैं। दिस इंडस्ट्री इज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल इन द टाउन। और ये जो पावर लूम इंडस्ट्री सिरिकला में है, सिरसिला में है, सिरिकला में जो भी बोल रहा हूँ प्रोनाउंसिएशन शायद मेरा रॉन्ग हो, बट आप समझिएगा बात, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, श्रीकला जो जगह है आंध्र प्रदेश में है, और ये जगह पावर लूम इंडस्ट्रीज के लिए बहुत फेमस है। तो पावर लूम इंडस्ट्रीज यहाँ लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादातर प्रोवाइड करती हैं। अब क्या हुआ कि प्राइवेटाइजेशन होने लगा पावर सप्लाई का, मतलब जो अब बिजली है, पावर सप्लाई है, वो प्राइवेट लोग करेंगे। अब नॉर्मली गवर्नमेंट करती है प्राइवेट, जो नॉर्मली क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी कौन सप्लाई करता है, गवर्नमेंट सप्लाई करती है। बट उस जगह क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन होने लगा पावर सप्लाई का, पावर सप्लाई अब गवर्नमेंट नहीं, अब क्या होगा, अब कौन करेगा, प्राइवेट सेलर करेंगे सप्लाई। तो जिसकी वजह से क्या हुआ,
पावर टैरिफ बहुत ज्यादा बढ़ गए, मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस थे वो क्या हुए, बहुत ज्यादा बढ़ गए। ठीक है, ये बात हुई अभी तक, मतलब कि प्राइवेट हुआ क्या कि पावर सप्लाई कौन करेगा, प्राइवेट लोग करेंगे, अब गवर्नमेंट वाहन नहीं करेगी, तो इम्प्लाइंग जिसकी वजह से क्या हुआ, एक अनसस्टेनेबल बर्डन पड़ने लगा इंडस्ट्रीज में। अब अनसस्टेनेबल बर्डन पड़ने लगा कैसे, क्योंकि जो वहाँ की इंडस्ट्रीज थी तो उनके लिए तो अब उन्हें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देना पड़ेगा ना, क्योंकि भाई प्राइवेट सेलर अब प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्राइवेट सेलर क्या है, वो तो कम चार्ज लेंगे नहीं, वो तो ज़्यादा चार्जेस लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनको सेल्फ इंटरेस्ट देखना है, प्रॉफिट भी देखना है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, पावर टैरिफ बढ़ गए, और पावर टैरिफ बढ़ने की वजह से क्या हो गया, जो वहाँ की इंडस्ट्रीज थी उनके ऊपर एक बर्डन पड़ने चालू हो गया, और कट इन वेज। अब एक बात बताइए, जब आप कंपनी के मालिक हैं, आप प्रोड्यूसर हैं, आपका जो भी इनकम है, आपकी जो भी इनकम है वो आप इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ही में दे रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, जिसकी वजह से आप जितना भी प्रॉफिट है आपका वो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में आप दे रहे हैं, तो आप लेबर की वेजेस क्या करेंगे, कट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो लास्ट में कॉन्क्लूजन यही बचा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप जो प्रॉफिट हो रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में देना पड़ेगा, तो वेजेस की सैलरी जो है वो कम करी जाए, एज वेजेस आर लिंक्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ। अब भाई वेजेस जब क्या कहते हैं कि कम होंगे तो क्या होगा, आज वेजेस किससे लिंक्ड है, प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ से, तो क्लोथ का प्रोडक्शन भी कम हो गया। भाई होता क्या है, जैसे एक चीज दूसरे से लिंक्ड होती है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए बिजली का बिल बढ़ गया, अब उन्हें बिजली का बिल ज्यादा देना पड़ेगा, तो सबसे पहली बात, बिजली का बिल जब ज्यादा देना पड़ेगा तो वो अब ज्यादातर पैसा अपना किस में लगा देंगे, बिजली के बिल को देने में। अब जब ज्यादातर पैसा अपना बिजली के बिल को देने में लगा देंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देने में लगा देंगे, तो प्रोडक्शन उनका कम हो पाएगा, क्योंकि भाई जो भी उनका प्रॉफिट हो रहा है तो उसे इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे प्रोडक्शन में, वो अब क्या कर देंगे, वो अब इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देने में लगा देंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगा, और प्रोडक्शन कम होगा तो वेजेस भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, क्योंकि वेजेस भी वो क्या देंगे, कम देंगे लेबर को, जिसकी वजह से क्या होगा, वेन वेजेस आर कट बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सब्सिस्टेंस। और उस समय क्या हुआ कि प्रोडक्शन तो कम हुआ और वेजेस भी कम हुई, और वेजेस इतनी कम हो गई कि मिनिमम लेवल से, मतलब कि एक वेजेस होती है सब्सिस्टेंस वेजेस, सब्सिस्टेंस वेजेस मतलब ये होता है कि आपको वेजेस एक मिनिमम लेवल से भी कम मिलने लगे। एक होता है मिनिमम लेवल कि हाँ भाई इतनी वेजेस मिले कि आपका काम चल जाए, आपको खाना पीना आप आराम से कर सको महीने का, एक्स्ट्रा वेजेस नहीं, सब्सिस्टेंस वेजेस मतलब होता है मिनिमम वेजेस कि आप खाना पीना आराम से कर सको, और जब आपको वेजेस जो है सब्सिस्टेंस वेजेस से भी कम मिलने लगे, मतलब कि आप भी खाना पीना कुछ ना कर पाओ, आप क्या कहते हैं कि बिल्कुल आपको सर्वाइव करना ही ना हो पाए उस वेजेस में, तो वर्कर्स क्या करेंगे, वर्कर्स ने फिर उस समय कर ली सुसाइड, 50 वर्कर ने सुसाइड कर ली, जिसको हम श्रीकला ट्रेजिडी बोलते हैं, ठीक है ना, इसी आप समझे होंगे। तो इसकी कहानी वाला समझे, प्राइवेटाइजेशन की वजह से क्या हुआ, बिजली के जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बढ़े, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की वजह से प्रोडक्शन कम हो गया, प्रोडक्शन कम होने की वजह से वेजेस कम हो गया, और वेजेस इतना कम हुआ कि सबसे मतलब मिनिमम लेवल जो उनको चाहिए होता है उससे भी कम देने लगे उनको वेजेस, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने सुसाइड कर लिया, 50 वर्कर ने कम से कम सुसाइड करा था, तो उसको हम श्रीकला ट्रेजेडी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है भाई, ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, इंटीग्रेट होता है, इंटीग्रेटिंग द कंट्री इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। देखिए इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आपको, इंटीग्रेटेड मतलब होता है ऐड करना सबको, सब सारी कंट्रीज को जोड़ना, तो ग्लोबलाइजेशन की मतलब होता है हमारी, हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन करना बाकी कंट्रीज के लिए, तो ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन मतलब ये होता है कि इंटीग्रेट करना है, हमें इंडियन इकोनॉमी को बाकी कंट्रीज के साथ जोड़ना, ताकि हम फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड कर सकें, ट्रेड का फ्री फ्लो कर सकें, ट्रेड अच्छे से कर सकें, कोई रिस्ट्रिक्शन ना रहे, और कैपिटल अक्रॉस बॉर्डर, कैपिटल का भी ट्रेड करते रहे, मतलब कैपिटल के भी आना जाना लगा रहे और गुड्स का भी आना जाना लगे आराम से। ग्लोबलाइजेशन इज द फैक्ट आउटकम ऑफ द पॉलिसीज ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। देखिए यहाँ क्या लिखा है ब्लू बॉक्स में, देखिए यहाँ लिखा है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो किसका आउटकम है, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का। एट द इंटरनेशनल लेवल इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स इकोनॉमिकली एंड सोशली क्लोजर। देखिए ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है, जो इंटरनेशनल इकोनॉमीज होती हैं वो इकोनॉमिकली और सोशली क्लोज आती हैं एक दूसरे, इकोनॉमिकली मतलब जैसे हम लोग ट्रेड वगैरह करने लगते हैं
तो हमारी कंट्री का गुड्स जो भी अच्छा है वो बाहर जाएगा, और बाहर की कंट्रीज का जो भी गुड्स अच्छा है वो हमारे यहाँ आएगा। तो हम लोग इकोनॉमिकली और सोशली, सोसाइटीज भी इफेक्ट होती हैं, सोसाइटीज सोशली भी हम लोग इफेक्ट होते हैं, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी चेंज होता है, हम अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेवलप कंट्रीज से कॉपी करने लगते हैं। तो बोलने का मतलब, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का सबसे पहली बात आउटकम क्या है, ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से इकोनॉमिकली और सोशली हम लोग क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, और जिसकी वजह से ग्लोबल ग्रोथ होती है, मतलब हर कंट्री की ग्रोथ होती है। तो ग्लोबलाइजेशन एक अच्छी चीज़ है ताकि सबकी ग्रोथ हो। अब देखिए क्या लिखा है, ग्लोबलाइजेशन में भी डिफाइन एज द प्रोसेस एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग ओपननेस। ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है अपनी इकोनॉमी को ओपन करना, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, आज के टाइम क्या है हर कंट्री एक दूसरे में इंटरडिपेंडेंट है, एंड डीपनिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, और डीप करना इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना और ज़्यादा गहरा करना। इंटीग्रेशन मतलब क्या हो, जुड़ाओ बाकी सारी कंट्रीज के साथ, जोड़ देना एक कंट्री को, ठीक है। देखिए ये देखिए हर कंट्री एक दूसरे में इंटरडिपेंडेंट है, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। अब देखिए इकोनॉमिक रिफॉर्म जो लिए गए थे 1991 में, एम्स एट इंटीग्रेटिंग द इंडियन इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी, उसका एम क्या था कि इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना। एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से क्या हुआ, एज अ रिजल्ट देयर विल बी अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम ग्लोबलाइजेशन करेंगे, अपनी इकोनॉमी को ओपन करेंगे, तो टेक्नोलॉजी एक्सपर्टाइज का क्या होगा, फ्लो होगा, अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो होगा, बिना रुके फ्लो होगा इंडिया से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पर्टिकुलरली इट इज एक्सपेक्टेड दैट कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी विल फ्लो फ्रॉम डेवलप्ड, हाँ, और सबसे ज़्यादा हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारे यहाँ कैपिटल और टेक्नोलॉजी वगैरह आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ उस समय कैपिटल की बहुत डेफिशिएंसी थी, टेक्नोलॉजी की बहुत डेफिशिएंसी थी। ग्लोबलाइजेशन आने से क्या हुआ कि हमारे यहाँ ये सब चीज़ें आई, और 1991 के पहले क्या था, हम अपने अपनी इकोनॉमी को ओपन नहीं करा था, ग्लोबलाइजेशन हमारे इकोनॉमी में नहीं था। तो ग्लोबलाइजेशन करने से क्या होता है, वर्ल्ड इकोनॉमीज इंटीग्रेटेड होती हैं, ये समझिए आप, वर्ल्ड इकोनॉमीज इंटीग्रेट, जुड़ाव होता है वर्ल्ड इकोनॉमीज का, इंटीग्रेट होती हैं, जुड़ती हैं आपस में। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, जुड़ना। अब देखिए आउटसोर्सिंग मतलब क्या होता है, आउटसोर्सिंग मतलब सबसे पहली बात, आउटसोर्सिंग ग्लोबलाइजेशन का एक अच्छा आउटकम है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से आउटसोर्सिंग हमारे यहाँ होने लगी। आउटसोर्सिंग मतलब ये होता है कि इट इज रिफर टू द सिस्टम ऑफ हायरिंग बिजनेस सर्विस फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। बिजनेस सर्विस जब दूसरे वर्ल्ड से, दूसरी कंट्री से खरीदी जाती हैं, ठीक है। बिजनेस सर्विस मतलब जैसे कॉल सेंटर सर्विस, जैसे मान लीजिए इंडिया है और ये यूएसए, तो यूएसए में जैसे कोई कंपनी है, तो यूएसए में जैसे कोई कंपनी है, अब वो जैसे उसकी सर्विसेज हैं, जैसे कुछ भी सर्विसेज हैं, क्लिनिकल सर्विसेज, यूएसए में जो भी कंपनी है तो उसकी कोई सर्विस उसे प्रोवाइड करनी है अपने कस्टमर को, तो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कस्टमर को, तो वो बिजनेस सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं उनको कॉन्टैक्ट करेगी, तो इंडिया में वो कॉन्टैक्ट करेगी कि हाँ मेरी ये सब सर्विसेज हैं, मेरा ये सब काम है, ये आपको करना है, ठीक है ना। तो आउटसोर्सिंग मतलब होता है हायरिंग बिजनेस सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज हायरिंग करना दूसरे वर्ल्ड से, बिजनेस सर्विस कुछ भी हो सकता है, जो क्योंकि बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो खुद काम नहीं करती हैं, बहुत काम खुद नहीं करती हैं भाई, उनके पास यही तो काम नहीं है, तो वो क्या करती हैं, बाहर से बिजनेस सर्विस हायर कर लेती हैं। बिजनेस सर्विस जैसे कॉल सेंटर, ट्रांसक्रिप्शन, क्लिनिकल एडवाइस, टीचिंग, कोचिंग एंड लाइक, मतलब ये सब सर्विसेज वो हायर कर लेती हैं कि हाँ ये सब काम आप संभालिए, ठीक है। अब जैसे आपने कॉल सेंटर सुना होगा, तो कॉल सेंटर भी एक तरीके क्या आउटसोर्सिंग, यूएसए वगैरह से क्या होता है, यूएसए वगैरह से एक बल्क में बोल देते हैं कि हाँ आपको ये चीज़ें ये करनी है, तो कॉल सेंटर बस यही करते हैं कि कॉलें अटेंड करते हैं, कि ये सब चीज़ें प्रोडक्ट को सेल करते हैं, वो ऑल ओवर द कस्टमर को डील करते हैं। तो वही बात लिखी है कि इंडिया इज द इमर्जिंग एज एन इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग, पर्टिकुलरली इंडिया में आउटसोर्सिंग बहुत होती है, मतलब इंडिया के यहाँ से हमारे यहाँ बिजनेस सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा हायर करी जाती हैं आउट वर्ल्ड से, मतलब बाहरी वर्ल्ड से हमारे यहाँ क्या कहते हैं, बिजनेस सर्विसेज बहुत ज़्यादा हायर करी जाती हैं, ठीक है। जैसे बीओपी है, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, आपने सुना होगा, कॉल सेंटर भी इसे बोलते हैं, तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट आउटसोर्सिंग का एग्जाम्पल है। मतलब कुल मिला के ये बोलने का मतलब है कि आउटसोर्सिंग हमारे यहाँ से ज़्यादा होती है, मतलब हमारे यहाँ से लोग बहुत हायर करे जाते हैं फॉरेन कंट्रीज के काम के लिए, ठीक है ना। अब देखिए हमारे यहाँ से आउटसोर्सिंग क्यों होती है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारे यहाँ से आउटसोर्सिंग इसलिए होती है, हमारे यहाँ से ज़्यादा हायरिंग क्यों होती है, क्योंकि हमारे यहाँ का चीप लेबर है, हमारा जो लेबर है वो सस्ता है, उसको कम वेजेस भी मिल जाती हैं, मतलब कम वेजेस भी उसकी हैं, और स्किल्ड वर्कर भी है, वो स्किलफुल भी है, इंग्लिश भी बोल लेता है अच्छे से, और उसको कम वेजेस भी दे तो काम चल जाएगा। और दूसरी बात आउटसोर्सिंग इसलिए हुई क्योंकि हमारे यहाँ आईटी इंडस्ट्री के रिवॉल्यूशन हुआ,
आईटी इंडस्ट्री हमारे यहाँ 2000 समथिंग में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हुई, तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ एक आउटसोर्सिंग हब बन गया। कॉल सेंटर बहुत चलते हैं, नोएडा गुड़गांव आप जाइए कॉल सेंटर खूब चलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आउटसोर्सिंग की वजह से, आउटसोर्सिंग ग्लोबलाइजेशन का आउटकम है। और आउटसोर्सिंग क्यों होती, क्योंकि हमारे यहाँ चीप लेबर है और आईटी इंडस्ट्री का हमारे यहाँ रिवोल्यूशन हुआ था। अब देखिए क्या लिखा है कि पॉलिसीज स्ट्रेटेजीज ऑफ प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब चलिए इसको नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा लेक्चर, ठीक है। तो आउटसोर्सिंग तक मैंने पढ़ाया है आपको, आउटसोर्सिंग वगैरह क्या होता है, हायरिंग द बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम दी अब्रॉड, ठीक है, अब्रॉड से हायरिंग करना, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस।